अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब, आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। आज संडे है तो हम निकले हैं हंटिंग पे, और आज हमारे साथ क्रॉल पंचर ब्रेकर 2.5 में, और हम पैरस यूज़ करेंगे GSB के 25.39 ग्रैन। स्कोप लगाई है हमने डिस्कवरी की VTZ 4650, साइड शायर कैमरा माउंट और GoPro Hero 4 के साथ हम रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो और ऑफ आर का हमारे पास है रेंज फाइंडर, तो चल के करते हैं आज की हंटिंग शुरू। पहली शार्ज हमें करीब ही मिल गई थी, मगर ये मेरे लिए और उन भाइयों के लिए एक सबक है, जो ये कहते हैं कि हम शार्ट खेलते हैं लग भी जाती है लेकिन परिंदा उड़ जाता है तो ये देखें 0.25 25 ग्रेन का पैलेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन जब पैलेट ही जाके सीधा नहीं लगेगा तो फिर परिंदा कैसे गिरेगा। तो ये तो एक गंदा पैलेट था, स्पैरल करता हुआ रेबल करता हुआ राइट साइड से निकल गया है। आगे भी दो तीन जगह पे ऐसा हुआ है कि बर्ड को हिट किया है पैलेट ने लेकिन बर्ड नहीं गिरा। तो पहले हम समझते थे कि हमारी शॉट तो लग जाती है लेकिन परिंदा नहीं गिरता, तो ये तो भला हो स्लो मोशन कैमरे का जो हमें आईना दिखा देता है कि भाई तुमने शॉट ही गलत खेली है। एक और शॉट और वही नतीजा, देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छी शॉट लगी है, उसके पार भी काफ़ी उड़े थे, लेकिन थोड़ी गलत शॉट थी। जब परिंदे को किलिंग जोन में नहीं लगेगा तो बर्ड ऑन द स्पॉट नहीं गिरेगा। ये देखें जी, इसको शॉट लो भी लगी है और राइट साइड की तरफ जाने भी लगी है, तो देखने में तो लगता है कि बहुत उम्दा शॉट लगी है, लेकिन इस तरह की शॉटें होती हैं फिर हम कहते हैं कि शॉट तो लगी है लेकिन परिंदा गिरा नहीं है। तो ये स्लो मोशन में जाके पता चलता है कि ये हमारी गलती है। ठीक है जी, 76 यार्ड पे डेड शॉट, जब किलिंग जोन में जाके लगे तो परिंदा फिर गिरता है। एक और मिस शॉट, उसके गर्दन को टच करके गया है पैलेट।
फासला है जी 50 यार्ड, मगर शार्ट मिस हुई है। ये तो बाद में देखने में पता चला कि इसके अंदर डबल पैलेट था। ये देखें, दो पैलेट जाते हुए। कुछ देर बाद एक और आके बैठा, मगर इस बार कोई गलती नहीं हुई। परफेक्ट डेड शॉट। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।